अरे वैजयंती जी, वैजयंती जी, अरे आपने बैरिस्टर बाबू के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? अगर उन्होंने देख लिया तो बहुत गुस्सा होंगे वो आप पर। अयो अप्पा, वो हम पर गुस्सा क्यों होंगे? सारी गलती आपके बैरिस्टर बाबू की है। कोई ऐसी हालत में लड़की को वहाँ पे अकेले छोड़ती है क्या? और आप तो जानती है ना बच्चों की शरारत। अब मैं गीले कपड़ों में बाहर कैसे आ सकती थी? और आपके बैरिस्टर बाबू एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोची, वहीं से ही चली गयी वहाँ से। चली गई? हाँ, वो चली गई वहाँ से। हाँ, बात तो आपकी सही है, पर इसके पहले कि वो आपको इन कपड़ों में देख ले, आप जाकर अपने कपड़े वापस फिर से पहन लीजिए। ठीक है। इल्ले, मेरे कपड़े गीले हैं, तभी तो उनके कपड़े पहनने पड़े मुझे। और गलती उनकी है, तो चोर जैसे मैं क्यों डरूं? देखिए, आप बात हमारी समझिए, मानिए मेरी बात। एक बार उनको गुस्सा आ गया ना, तो उन्हें कोई शांत नहीं कर सकता सिवाय एक के। कौन? एक ही तो थी, सबसे अलग, सबसे जुदा, सबकी प्यारी, सबकी दुलारी, हमारी बोंदिता बहुरानी। कभी अपनी मीठी बातों से, कभी अपने तेज तरार तर्कों से बैरिस्टर बाबू का मुंह हमेशा बंद कर देती थी वो। ऐसी थी हमारी बोंदिता बहुरानी। बिहारी, आप उधर निकलिए, बैरिस्टर बाबू आ रहे हैं। जल्दी जल्दी, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी आज। हेलो, तुम मेरे कपड़ों में क्या कर रही हो? तुम समझती क्या हो तुम खुद को? वाह वाह वाह, उल्टा मोर कोतवाल को डांटती है। मोर नहीं, चोर। हाँ वही, सारी गलती आपकी है। आपको मुझे सारी बोलना चाहिए और आप हम पे चिल्ला रही है। मेरी गलती है? क्या गलती है? मैं बताती। पहला, हम पानी में आपके वजह से गिरी। शर्म से लाल नीला हमको होना चाहिए, पर गुस्से से लाल पीला आप हो रही है। दूसरी, एक लड़की बीगी बागी सी, घबराती सी बाथरूम में खड़ी, बाथरूम में अकेली खड़ी है। आपको हमारा चिंता करना चाहिए था, हमको पूछना चाहिए था। वैजयंती, आपको टॉवल चाहिए, आपको कपड़े चाहिए, पर आपने ऐसा कुछ नहीं की, तो सारी गलती आपकी हुई ना। मैं तुमसे और कोई बहस नहीं करना चाहता, मैं घर पाऊंगा ही नहीं। तुम बस मेरे कपड़े दे दो, कोई साड़ी वाड़ी पहन लो। अयो अप्पा, क्या बोली? मैं साड़ी वाड़ी पहन लूं? क्यों? एक मिनट, आपके बोलने का मतलब यही ना कि हम लड़कियां लड़कों जैसे शर्ट और पैंट नहीं पहन सकती है? बोलिए। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा वैजयंती। वैजयंती, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, बल्कि मेरा मानना तो यह है कि लड़कियों को वही पहनना चाहिए जो उन्हें अच्छा लगे और जो पहनने की उनकी इच्छा हो, किसी और की नहीं। और जानती हो क्यों? क्योंकि लड़के और लड़कियां दोनों ही बराबर होती है। वैसे सारी गलती आपकी नहीं थी, थोड़ी सी, एकदम थोड़ी सी, इतनी सी गलती तो मेरी भी थी। नहीं नहीं वैजयंती जी, बिल्कुल नहीं, पूरी गलती मेरी थी। पर बस मैं इतना कह रहा हूँ कि मेरे कपड़े मुझे दे दीजिए। संपूर्णा माँ, उनको क्यों बुलाती है? संपूर्णा माँ, अब इससे पहले कि मैं पागल हो जाऊँ, कोई भी कपड़ा दे दीजिए और मेरा कपड़ा मुझे दे दीजिए। इंसान तो आप वही है जिसे मैंने हमेशा से जाना है सखा बाबू। बस आपको ये याद दिलाना है कि मेरे बैरिस्टर बाबू के हाथ में कलम अच्छी लगती है, बंदूक नहीं। चलो। बता सकते हो? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। हाँ, मैंने भी सुना है बाल गोपाल भी बड़ी शरारत करते थे। बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो बड़े करेंगे क्या? आप कहेंगे तुम कान पकड़ के मुर्गा भी बन जाएंगे। ओए, मैं लड़की हूँ, मैं मुर्गा नहीं बन सकती। तो तुम मुर्गी बन जाओ। ठीक है दादा, आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। तो आप हमें डांटना मत। आप डांटते तो हमारी छोटी छोटी आँखों में बड़े बड़े आंसू आ जाते हैं। आज मैं किसी को नहीं डांटूंगा, सजा दूंगा। आज खाने में ना कोई निमकी मिलेगी ना कोई मिष्टी मिलेगी, तो सिर्फ खिचड़ी। हाँ, क्या मिलेगा बिहारी? खिचड़ी। दो दिन हो गए आते जाते यहाँ, पर ससुर जी कहीं नहीं दिखे। तुम्हें साड़ी पहननी आती है ना? आती है, पर मेरी दीदी, मेरा मतलब अक्का, मेरी अक्का जैसी नहीं आती है मुझे। अब वो तो यहाँ पे नहीं है, तो आप पहना दो ना। ठीक है। थामो जैसे पतंग हो, घूमो जैसे नाच हो, गिनो जब तक ना 5 हो, फिर कस लो कमर। क्या हुई? कुछ नहीं, वो मेरी छोटी बहन की याद आ गई। क्या? वो तुम बैरिस्टर बाबू को इतना परेशान क्यों करती हो? पढ़ने आए हो ना तुम यहाँ, तो ये सब क्यों करती हो? वो मेरे को बैरिस्टर बाबू बहुत अच्छी लगती है। हाँ, मेरा मतलब वो किसी के चेहरे पे उदासी नहीं देख सकती ना। अब बिना मुस्कान के जीना भी कोई जीना हुआ? आप बताइए। कोई अपनी हंसी भूल जाए, उसका कारण भी तो बड़ा होगा ना। वही कारण तो जाननी है। क्या? मेरा मतलब जब से इस घर में आई है, सिर्फ मायूसी और गुस्से को ही महसूस किया है। और सिर्फ बैरिस्टर बाबू ही नहीं, आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट नहीं देखी है मैंने। बताइए ना, क्या हुआ है? आप मुस्कुराती क्यों नहीं है? बताइए ना। अक्का, बताइए ना, अब मुस्कुराती क्यों नहीं है? अक्का, तुम पढ़ने जाओ, मैं बिहारी से बोल के तुम्हारे कपड़े मंगवा देती हूँ। सो गए होंगे। मेरी बात मेरा कमरा बिताया मैंने यहाँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि सब कुछ क्यों बदल गया है। ये बोंदिता है, पकड़ो इसको, ये मार देगी सबको। ये हम सबको मार देगी, कौन मार देगी? ये बोंदिता। लाइए, मैं हूं ना। ये बट्टू कोई मार देगी, ये सबको मार देगी। कोई किसी को नहीं मार रहा, कुछ नहीं होगा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। निकालिए इसे। शांत हो जाइए। ये मार देगी, लेकिन सबको मार देगी। कोई किसी को नहीं मारेगा बाबा, मैं हूं ना यहाँ, मैं सबको मार दूंगा। तुम मार देना, मैं यहाँ छुप जाता हूँ। मैं यहाँ छुप गया, वो आएंगे ना, वो सबको मार देंगे। सुनो मेरी बात सुनो, अगर मुझे ढूंढने आए ना तो बोलना राजा छुप गए, मैं यहाँ पर छुप जाता हूँ, फिर वो मुझे नहीं मार पाएंगे। बाबा दुश्मन किसी को नहीं मारेंगे, पर आप तो जानते हैं ना बाबा, बॉम्बेता यहाँ से जा चुकी है। मुझे चोट पहुँचा देंगे, मैं यही छुपा। आपको कोई चोट नहीं पहुंचाएगा, आपको भरोसा है ना मुझ पर, है ना भरोसा? आइए बाहर आइए। ये बोंदिता है, ये मार देगी सबको। अब ये बोंदिता नहीं, वैजयंती है हमारी मेहमान। वैजयंती। जानता हूं तुम डर गई होगी, पर चिंता मत करो, अब सब ठीक है। कहाँ कुछ ठीक है दादा, और कभी कुछ बदलेगा भी नहीं। कुछ ठीक नहीं हो सकता, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। सुनना, समय और परिस्थिति देखकर बात किया करो। मेरे कुछ ना कहने से ये सच नहीं बदलेगा दादा कि इन सब की वजह वो बोंदिता ही है। बोंदिता मार देगी सबको। दादा कोई किसी को नहीं मारेगा, देखिए वही है इस दुश्मनी, इस नफरत और बर्बादी की जड़ दादा। उसी के वजह से आज बाबा का ये हाल हुआ है दादा। आपके हर घाव की वजह वो बोंदिता ही है दादा। शांत हो जाइए सोमनाथ, शांत हो जाओ प्लीज। दादा अगर आप उसे उसकी शादी से भगा के लंदन नहीं ले गए होते तो ये सब हमें नहीं देखना पड़ता। डर गई ना तुम? ये तो बस एक छोटी सी झलक थी, जो देख के तुम्हारा ये हाल है तो सोचो अनिरुद्ध पे क्या बीती होगी जब उसने अपने आंखों के सामने ये सब होते हुए देखा होगा। बताइए ना क्या हुआ था उनके साथ, उनकी हालत ऐसे कैसे हो गई? कृष्णनगर वालों ने की है उनकी ऐसी हालत। जब बोंदिता लंदन चली गई थी, मिष्टी से नए रिश्ते की शुरुआत करते। गाड़ी में दो, काका और संपूर्णा को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे हम जल्दी। काका बाकी सब तो बिल्कुल ठीक है, सिर्फ हमारे परिवार के सदस्यों साजिश की गई है हमारे खिलाफ। जान का खतरा तो था, पर अनिरुद्ध ने दोबारा कोशिश की। वो गया ठाकुमा के पास शांति का प्रस्ताव लेके। ठाकुमा, जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता, पर आगे सब अच्छा हो ये जरूर हो सकता है ना। इसीलिए मैं आपको बताने आया हूँ ठाकुमा कि उन तोहफों में बारूद हमने नहीं छुपाया था। जिस धमाके में बोंदिता के काका काकी की जान गई, वो धमाका हमारी वजह से नहीं हुआ था ठाकुर। जा, घर जा आपने और देख कि तुम जमींदारों को क्या जवाब दिया है हमने मेरे भतीजे और बहू की मौत का। आपने हाथ कैसे लगाया काका को? हथकड़ी? ये हथकड़ी किस बिना पर पहनाई आपने काका को? हथकड़ी लगाई है, अभी आगे फांसी भी होगी। इन पे कत्ल का इल्जाम है। मेरे काका ने किसी का कत्ल नहीं किया इंस्पेक्टर। छोड़िए, निकालिए इसे। सुन, हमारी बात सुन, तू हमारी चिंता मत कर बेटा। वो बिनोय को ना वो कृष्णानगर वाले पकड़ के ले गए बेटा। बेटा तू अपने बाबा को बचा ले बेटा, जाके जाना जा। बस 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 बस, मेरी बात समझने की कोशिश करो चंद्रचूड़। तोहफों में बारूद हमने नहीं भरा था। कुछ नहीं सुनूंगा मैं। जान का बदला जान देके चुकाना पड़ेगा तुम जमींदारों को। बाबा ठीक तो है ना डॉक्टर? वैसे तो ठीक है, पर सिर पर चोट लगने से उनकी दिमागी हालत। ये चोर है। चलो जल्दी चलो, गवर्नर जनरल को बोल दो। राजा साहब भी नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। बोल दे वाइसराय को, बोल दे मैं तुलसीपुर का राजा हूँ। गाड़ी 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 वो मार देगी हमें। वाइसराय को बोल दो, आपको मार देंगे, मार देंगे। एक बार नहीं, दो बार गया था तू शांति का प्रस्ताव लेकर। क्या मिला उसके बदले में? हमें जेल भेजा, हमारी बेइज्जती की। बिनोय, उसकी क्या गलती थी? इतना मारा कि अपना मानसिक संतुलन खो दिया हमारे भाई ने। बेटा हमने आज एक नहीं दो चीजें खोई है, एक अपना सम्मान और कोई अपना। उनके आगे हाथ छुपे मैंने, उन्हें समझाने की हर संभव कोशिश की, पर वो शांति की भाषा समझना ही नहीं चाहते। तो ठीक है, अब उन्हें उन्हीं की भाषा में समझाएंगे कि हम रॉय चौधरी किसी से नहीं डरते। अब उन्हें नफरत के बदले नफरत मिलेगी और गोली के बदले गोली। खूब देख ली उन्होंने अनिरुद्ध रॉय चौधरी की दोस्ती। खूब देख लिया उन्होंने कि कैसे किसी के लिए जान देकर भी दोस्ती निभा सकता है अनिरुद्ध रॉय चौधरी। अब वो देखेंगे कि कैसे जान लेकर दुश्मनी निभाएगा अनिरुद्ध रॉय चौधरी। अब दुश्मनी होगी, पूरी दुश्मनी। और तब से उनकी ऐसी हालत है, अभी वो कभी ठीक नहीं होंगे। अनिरुद्ध ने देश में विलायत में बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया है उनके बाबा को, पर किसी के पास तो उनकी बीमारी का इलाज नहीं है। कभी कभी तो ऐसा लगता है मेरे गलत कर्मों की सजा इन्हें मिल रही है। बहुत गलत किया है मैंने मेरी बहन बोंदिता के साथ। शायद इसीलिए उसकी दुर्गा मां ने अरे वैजयंती बेटा सुनो बेटा, आज जो कुछ हुआ उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं तुमसे, और अगर हो सके तो ये बात अपने तक रखना, बस अपने अप्पा को। ऐसा मत कीजिए वरना मैं खुद से नजरें नहीं मिला पाएगी। बड़ों के हाथ बच्चों से माफी मांगने के लिए नहीं, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए। शाश्वती सही कह रही थी, एकदम संतरे की गोली जैसी खट्टी मीठी हो तुम। घर जा रही हो, रुको, आज तुम अकेले नहीं जाओगी। अनिरुद्ध इधर आ। बेटा आज जो कुछ हुआ उससे सहम गई है वैजयंती। हम चाहते हैं कि तू उसे दीनपुर स्टेशन तक छोड़ा। आदेश है हमारा। हम आज की पढ़ाई कल पूरी कर लेंगे। आज आपका दर्द मैं समझ सकती हूँ सखा बाबू। चाहती हूँ दिल खोल के दर्द बांटो आपका, परम बनो आपके घावों की। ठीक हो तुम? ठीक है, पर क्या आप ठीक है? कैसे होंगे आप? अपने अंदर दर्द की, गुस्से की ज्वालामुखी जो दबाए हुए हैं, मेरे को संपूर्ण आका ने सब कुछ बताया। जो कुछ भी हुआ ना वो तो गलत हुआ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, पर आप आपके मन में इतना बड़ा चोट कब तक लेके जिएंगे? कभी ना कभी तो ये गाँव को भरना होगा ना। आप एक बार उससे बात करके तो देखिए। थोड़ा थोड़ा जलने से अच्छा है एक बार में चीखिए, चिल्लाइए, शिकायतें कीजिए, गुस्सा हो ये, नाराज हो ये, लेकिन आपके मन में जो कुछ भी है ना सब कुछ बोल दीजिए। कुछ भी आपके मन में मत रखिए। एक बार आप दिल खोल के बोंदिता से बात कर लेंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुमको उतरो गाड़ी से। मेरी बात तो सुनिए। मैंने कहा गाड़ी से नीचे उतरो। आपको मेरी किसी बात... गाड़ी से उतरो वैजयंती।